आदि पुरुष के मेकर को अब ये बात तो पता चल ही चुका है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए गले की फांस बन चुकी है, जिसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं अब ओम राउत का करियर भी दांव पे लगते जा रहा है। उन्हें अब तक ये तो पता चल ही गया है कि भाई मुझसे एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो चुका है, जो उनके हर स्टेटमेंट, इंटरव्यूज और अब तक के होते एक्टिविटीज से पता चल ही रहा है। पर भाई फिल्म कैसी भी बने, उन्हें तो तोतला सेठ प्रोड्यूसर को पैसे रिकवर करके देना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो उसे हिट बनाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। वो हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं। पोस्टर से बात बनते नहीं दिख रही तो अब रिलीज डेट के साथ ट्रिक करने की कोशिश हो रही है। ना इंडिया में रिलीज डेट टाला नहीं जा रहा है, मगर इंडिया से ठीक 3 दिन पहले न्यूयॉर्क में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर किया जा रहा है, और जिसे बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल बताया जा रहा है, जिसमें कोई भी पैसे देकर बहुत ही आसानी से अपनी फिल्म को फीचर करवा सकता है। रेट्स आप खुद ही इनके वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मुझे तो इस फिल्म फेस्टिवल में जाना कोई ऐसा प्राउड मोमेंट वाला फील नहीं करवा रहा है, उल्टे बहुत से लोगों को तो इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में अब पता चला होगा। अगर आप भी उनमें से एक हो तो भाई कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब इससे शायद किसी को भी कोई सा इशू नहीं रहता। भाई आप पैसे देकर कहीं भी जाओ और अपनी फिल्म का प्रमोशन करो, या वो खुद ही इन्वाइट करे और दुनिया भर की तारीफ करे, पर ये सब चीजें चल जाती अगर ये कोई दूसरी फिल्म होती। बट इस फिल्म के लिए जब पहले से ही डाउट किया जा रहा है कि शायद इसमें गलत तरीके से महाघातों को पेश किया गया होगा, और इसके लिए ही इंडियन व्यूअर्स इसे पहले देखना चाहते हैं, और ये उनका हक भी है, तो मेकर्स इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो पहले अमेरिकन्स को दिखाना चाहते हैं, वो भी पैसे देकर, जिन्हें स्टोरी से कोई मतलब नहीं रहेगा और वीएफएक्स से तो कोई मतलब रखना नहीं चाहेंगे। फिर भी ये फैसला क्यों लिया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। भाई कैसे कैसे रिव्यूज देने हैं, कितनी रेटिंग्स देनी है, कितनी तारीफ करनी है, ये सारी चीजें तो अभी से फिक्स किया जा चुका है, और जो 13 जून के बाद से ही हमें सुनने मिलने लग जाएगा, और जिसके बाद मेकर्स यही बोलेंगे कि अरे देखो अमेरिका के थिएटर में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ के थिएटर अगर आउटडेटेड है तो हम क्या करें। सो ओवरऑल पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर फिल्म अपनी लागत भी रिकवर नहीं कर पाई तो उसका ब्लेम इंडियन ऑडियंस पे डालने का। वैसे आपका इस स्टेप पे क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल तो आज के इस अपडेट वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।